दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्पिंग सनी आर्य में। और आज मौजूद है मेरे साथ राजीव सर, साथ ही छोटा भाई ईशान भाई। हम तीनों भाइयों ने एक बेड़ा उठाया है समाज में सेवा करने का, जिसमें राजीव सर के पास एक बड़ा प्लान था, क्योंकि राजीव सर शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो छोटी सी हुई थी कि हमने सोचा कि कुछ सिलेंडर हम लोग अपने लिए सोसाइटी में अरेंज करें, एक दो सिलेंडर। लेकिन जब हम अरेंज करने गए, हमें पता लगा कि हमें 3 दिन लग गए अरेंज करने में, और समस्या इतनी थी कि मार्केट में सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं थे जी। इस और हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, इस वजह से हमने ये मुहिम का शुरुआत किया। हम कुछ सिलेंडर का योगदान मिला हमको, जिससे हम कुछ सिलेंडर ला पाए, लोगों को हमने मुफ्त में प्रोवाइड किए। और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, योगदान बढ़ता गया, तो मुहिम बड़ी होती गई। अब हम पैन डेली बेसिस पे कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा इलाका देख रहा हूँ, उत्तम नगर इलाका, जिसमें 7 से 8 लाख लोग रहते हैं, लेकिन राजीव सर पूरी दिल्ली कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो किस पैमाने पे आप अपनी टीम के साथ देख पा रहे हैं सारी चीजों? हम लोग जो टीम है, अभी हमारी 30 लोगों की टीम जुड़ चुकी है हमारे साथ। सब लोग योगदान दे रहे हैं, कोई भी पेड बेसिस पर नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, सब लोग सब सेवा में ही लगे हुए हैं। तो ये 30 लोग दिल्ली में अलग अलग कोने में हैं, तो जिस कोने से बात करता है उसी कोने में हम लोग सर्विस प्रोवाइड। बहुत बढ़िया सर। तो ईशान भाई, कभी लगा नहीं आपको कि यार इतनी महामारी के अंदर मेरा परिवार भी है और मैं डेली सड़कों पे उतर रहा हूँ सेवा के लिए, कंसंट्रेटर अरेंज करवा रहा हूँ, सिलेंडर अरेंज करा रहा हूँ, तो डर नहीं लगा कि मतलब मेरे को भी कोरोना हो जाएगा, मेरे परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा? नहीं नहीं, इसमें डर जैसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि जब किसी की सेवा के लिए आप आगे उठते हो तो फिर डर आपको लगेगा ही। जब आप किसी की सेवा करोगे तो आपको डर का मतलब ही नहीं कि आपको डरते। अच्छा, करने के बाद जो फीलिंग है वो तो फिर आपको एक नंबर। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ सर आपने क्या क्या शुरुआत कर रखी है समाज के अंदर? इसके साथ जैसे जैसे मुहिम बढ़ती गई, अब हमारे साथ कुछ डॉक्टर एम्पैनल्ड हैं। हम लोग फ्री में मेडिकल काउंसलिंग दे रहे हैं। कोई भी हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करे उसको मेडिकल एडवाइस फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कुछ लोग, जैसे बच्चों के माँ बाप चले गए, या माँ बाप बूढ़े माँ बाप के जवान बच्चे चले गए, या हमारी बहनें कुछ विधवा हो गई जी, तो उन लोगों के लिए हम लोग ग्रीफ काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मेंटल काउंसलिंग देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो राजीव सर, ये एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है। आपने मेरे से कुछ बातें शेयर करी थी कि कुछ प्लांट को लेकर या कुछ दवाइयों को लेकर, एक बार वो भी आप क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, हमने ये रियलाइज किया कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि प्लांट हम लोग लेकर आए ज्यादा से ज्यादा कंट्री में, क्योंकि अभी इंडस्ट्री का ऑक्सीजन हम लोग मेडिकल में यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक साथ में मुहिम चलाई है, जिसके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहता है जी, उसको हम टेक्निकल नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लांट लगाने में मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ईशान भाई, एक सवाल आपसे भी था मेरा जी। ये जो हम चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं जी, जिसको जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं खर्च कर पाते हैं जी, इसमें आप क्या क्या उनसे सामान ले रहे हैं, मतलब लाइक आधार कार्ड, इसके अलावा रिपोर्ट, और इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा हमारा जो मेन है वो यही है, आधार कार्ड हो गया, उनकी कोविड रिपोर्ट हो गई, और एक उनका डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होगी उस पर जो मेंशन होगा इनको ये सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम उनको सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी अमाउंट एक जरूर हम ले रहे हैं कि जिसपे थोड़ा सा कि हम आगे भी उसकी हेल्प कर पाए। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर हम किसी को सिलेंडर दे रहे हैं तो हम सिक्योरिटी अमाउंट लेंगे जी, जो वो हमने 15 दिन के अंदर एक हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि जब वो 15 दिन में हमें सिलेंडर वापस करेंगे तो हम उनको 18,000 रुपये पूरे उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। सेम कंसंट्रेटर के साथ है, जैसे हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अगर पेशेंट की नीड है कि उसको ज्यादा जरूरत है और वो एक्सटेंड करता है उसको, तो एक हमें इन्फॉर्मेशन जरूर दे दे, हमारी भी बैकएंड टीम उसको कॉल करेगी और कंफर्म करेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर, एक लास्ट आपने एक नंबर बताया था जिसपे जनता फोन करेगी, दिल्ली की जनता फोन करेगी, आप उनकी हेल्प करेंगे, तो नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। नंबर है 1800 123 2364। कोई भी भाई योगदान देना चाहता है अपना, 1 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, आपका एक का सिक्का भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सर, अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से बंदा जाए, देखे और कैसे आपको योगदान दे? मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी
relief&you.org पर जाए तो वहां पर डोनेट का बटन है, उसको क्लिक करे और पेमेंट कर सकता है। 15 लाख भाई है मेरे फेसबुक पे, अगर आप एक एक का सिक्का भी देंगे जिस हिसाब से सर मेहनत कर रहे हैं और जी जान से लगे हुए हैं, 2 से 3 हजार लोगों के घरों पे सिलेंडर भिजवाए हैं, ऑक्सीमीटर भिजवाए हैं, तो मतलब बड़े पैमाने पे सर मदद कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक का सिक्का भी हमारे लिए बहुत कीमती है, जैसी आपकी श्रद्धा आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा बोलूंगा, दिल्ली में किसी को भी जरूरत है, सर ने एक नंबर बताया उस पर आप कॉल करें, और अब सर ने अपनी वेबसाइट भी बताई है। सर आपको किसी ने मैसेज में कुछ बात चैट करनी है, कुछ बात करनी हो तो इसकी कोई सुविधा है हमने? हाँ जी बिल्कुल, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो नंबर वही है, नंबर जो है वो उसका अलग रहेगा, वो नंबर भी पर शेयर कर दीजिए। हाँ जी, नंबर उसका रहेगा 9899-1330। तो कैसे भी जरूरत पड़ती है आपको, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पड़ती है या सिलेंडर की पड़ती है, तो सर से संपर्क करें आप, जरूरतमंद ही इसको यूज करें, क्योंकि सर के साथ थोड़ी बीच में एक दो प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई थी, कुछ लोगों ने सामान नहीं दिया और मतलब बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं, तभी हमने एक सिक्योरिटी अमाउंट रखा हुआ है, बाकी डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी मदद पूरी होगी, अच्छे से होगी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अभी तो छोटे पैमाने पे ऑक्सीमीटर की और स्टीम जो एक मशीन होती है इसकी सेवा की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं कुछ थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। क्योंकि आप सबके सामने है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो घर में कोई व्यक्ति बीमार है उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, उसका आधार कार्ड ली जाएगा, उससे सिक्योरिटी ली जाएगी, उसको ये दी जाएगी, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो हमें वापस कर सकता है। और जिसके बारे में राजीव सर बता रहे थे वो ये सिलेंडर है, जो कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, उसके परिवार में कोई बीमार है तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो ये यूज़ करे, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही बढ़िया है। और अभी ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उत्तम नगर इलाके में, बड़े पैमाने पे अभी राजीव सर सेवा को कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, मैं उनका फिर से धन्यवाद करूँगा कि वो लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जल्द ही आपका भाई भी बड़े लेवल पे और कुछ बड़ा करेगा, आप सबके प्यार आप सबके आशीर्वाद से। ये सब मैं पहले बता चुका आपको, ये बाप की मशीनें हैं, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये इनके कुछ पार्ट्स हो गए। जैसे जैसे आपका प्यार मिलता रहेगा सेवा बढ़ती चली जाएगी, तो प्यार बनाए रखना। और राजेश सर फिर से आपका धन्यवाद। राजेश सर की जो वेबसाइट है उसी में पेटीएम का एक ऑप्शन है, मैंने आपको ऑफिस में ही बताया था कि वहाँ पर आप अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।